ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिकरण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी।